बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रशीद खान है। हाजिर हूँ मैं पे एक नए टॉपिक के साथ, और आज का टॉपिक है स्मोकिंग एंड कोविड 19। आज हम कोशिश करेंगे कोविड 19 का स्मोकिंग के साथ क्या ताल्लुक है, इस पर कुछ देर हाजिर गुफ्तगू की जाए। देखिए, दुनिया भर में तकरीबन 1.3 बिलियन स्मोकर्स हैं, और हर साल तकरीबन 8 मिलियन 80 लाख लोग जो हैं वो स्मोकिंग की वजह से मर जाते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से। ये वो लोग हैं जो एक्टिव स्मोकर कहलाते हैं, और 1.2 मिलियन तकरीबन 12 लाख वो लोग हैं जो पैसिव स्मोकर होते हैं, वो भी स्मोकिंग की कॉम्प्लिकेशन से मर जाते हैं। स्मोकिंग वो मसला है जो कि दुनिया में हर जगह फैला हुआ है। अनफॉर्चुनेटली लोग स्मोकिंग को सिर्फ ये समझते हैं सिगरेट पीना। सिर्फ स्मोकिंग में सिगरेट पीना नहीं है, बल्कि तंबाकू किसी भी शक्ल में इस्तेमाल किया जाए वो स्मोकिंग के जुमरे में आता है। चाहे आप तंबाकू खाएं, तंबाकू लगाएं, तंबाकू पिएं या सिगरेट पिएं, ये तमाम की तमाम चीज़ें एक ही चीज़ होती हैं। चाहे ई सिगरेट पिएं, चाहे आप हुक्का पिएं, चाहे आप सिगार पिएं, चाहे आप फिल्टर सिगरेट पिएं, चाहे तंबाकू किसी भी शक्ल में इस्तेमाल करें, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके लिए नुकसानदेह हैं। और जो इस वक्त दुनिया में बीमारी फैली हुई है जैसे हम कोरोना वायरस कहते हैं, इस कोरोना वायरस में इस बात की वजाहत हो गई है कि जो लोग स्मोकर हैं उनमें ये डिजीज बहुत तेजी के साथ फैलती है। अब तक हमने ये कहा था, और पहले मैं वीडियो में कह चुका हूँ, कि जो दिल के मरीज हैं, ये ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको बीमारी होने का उतना ही ताल्लुक है जो किसी और को है। लेकिन सिगरेट के मामले में या स्मोकर के मामले में ऐसा नहीं है। इसमें जो स्मोकर्स हैं उनको बीमारी होने का चांसेस ज़्यादा है। उसकी वजह यह है, जो सिगरेट पीते हैं उनके फेफड़ों में ऑलरेडी तो मसले हो चुके होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और एक दफ़ा उनको कोरोना हो जाए तो उनके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। अफसोस की बात यह है कि जो स्मोकर्स हैं 1.3 बिलियन में से, इनमें से 80% लोग उन ममालिक में रहते हैं जिनको हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, जहां पे फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा नहीं है, जहां पे सेहत की फैसिलिटीज का फुकदान है। और मैं अंदाज़ा लगाइए कि जब उनकी मौत होती है, उनका मसला होता है, वो अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है। ये कहना कि मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, सिगरेट छोड़ना आसान नहीं है। जब भी किसी से पूछा जाता है कि आप सिगरेट कितनी पीते हैं, तो कहते हैं मैं बहुत थोड़ी पीता हूँ। देखिए, 5 सिगरेट पर डे के पीने वाला वो माइल्ड सिगरेट में कहलाता है, और जो 25 सिगरेट पर डे से ज़्यादा पीता हो उसे हम कहते हैं सीवियर स्मोकर या हैवी स्मोकर, और 5 से 25 के दरमियान में मॉडरेट स्मोकर कहलाते हैं। चाहे आप सिगरेट पिए या आप किसी को पिलाएं, यानी कि आप पैसिव स्मोकर हो, नुकसान दोनों को बराबर होगा। कोई ये कहे कि मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, और इस सिगरेट छोड़ने के लिए आपके विल पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट कभी नहीं छोड़ते। जिस तरीके से रमज़ान में आप हर चीज़ छोड़ देते हैं, अगर आप ये सोचें कि मुझे सिगरेट का रोज़ा शुरू हो गया है, तो वाहिद वो तरकीब है कि जिसमें आप सिगरेट छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप ये कहेंगे जी मैं स्लोली ग्रेजुअली सिगरेट छोड़ दूंगा, मैंने अपने 40 साल तजर्बे में ऐसा बहुत रेयर हुआ है कि किसी ने आहिस्ता आहिस्ता करके सिगरेट छोड़ी हो। सिगरेट जब भी छोड़ी गई वो एकदम छोड़ गई, और सिगरेट छोड़ने का जो फायदा है वो उस पहले दिन से शुरू हो जाता है। ये याद रखिएगा, एक तहकीक के मुताबिक जो सिगरेट आपने आज पी है इसके असरात आइंदा 20 साल तक आपको हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सिगरेट छोड़ देते हैं तो उसका फ़ायदा आपको अगले 24 घंटे में मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि इस पैंडेमिक में सिगरेट कितनी नुकसान देती है, इसका जिक्र मैं बताता हूँ अभी आपको, लेकिन पहले ये आप वादा करें कि आप सिगरेट को छोड़ेंगे, ताकि आप अगर खुदा नखास्ता आपको कोविड 19 होता है तो आपको कॉम्प्लिकेशंस ना हो। देखिए, स्मोकिंग जो है यानी टोबैको जो है, सबसे ज़्यादा वो लंग्स को ख़राब करती है, जिसमें क्या होता है कि लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई है और कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई है उसके मिसमैच करती है। और ना सिर्फ ये,
बल्कि स्मोकिंग वजह से दिल की तकलीफ या कैंसर या और चेस्ट इन्फेक्शन, उसके अलावा डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशन हैं उसको भी बढ़ा दिया। और हमें मालूम हुआ है कि जो भी कोविड-19 के पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उनको कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप चेस्ट इन्फेक्शन ऑलरेडी मौजूद हैं और उस पर स्मोकिंग करते हैं तो अंदाज़ा लगाइए कि डिजीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है। WHO के क्राइटेरिया में जो रिसर्च हुई है, जो अभी अप्रैल 2020 के अंदर शाया हुई है, उसके मुताबिक वो लोग जो कोई स्मोकर थे और जिनको उस पर डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर थी या दिल की तकलीफ थी, उनको कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हुई है और उनमें अमवात का रेशो भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये आप अंदाज़ा लगाइए कि स्मोकिंग कितनी ख़तरनाक है, कि सिर्फ स्मोकिंग वजह से जो कोविड-19 है वो कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर आप किसी ने फैसला कर लिया है कि मैं सिगरेट छोड़ दूँ, तो देखिए सिगरेट छोड़ने का फ़ायदा क्या है। सिगरेट छोड़ते के रहते विद इन 20 मिनट के अंदर अंदर ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगा। 12 घंटे के अंदर जो जिस्म के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जमा होती है वो लेवल नॉर्मल हो जाएगा। 1 से 2 हफ्ते के अंदर लंग फंक्शन और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। और 1 से 9 महीने के अंदर अंदर जो लोग किसी को भी खांसी होती है या सांस फूलता है सिगरेट की वजह से वो ख़त्म हो सकती है। तो अभी देखिए कि ये मत समझिए कि सिगरेट छोड़ने से कुछ नहीं होता और सिगरेट छोड़ने के कितने अरसे बाद फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा फौरी तौर पर होगा जैसा, लेकिन इसका नुकसान जो है वो 20 साल तक रहते, लेकिन जो फ़ायदा है वो 20 मिनट के अंदर होना शुरू हो जाता है। तो मेरे उन तमाम लोगों से जो स्मोकर्स हैं या वो टोबैको किसी भी शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि इसको छोड़ें और सेहतमंद ज़िंदगी अपनाएं। देखिए मौजूदा पैंडेमिक सिचुएशन कोविड की जो है वो ना जाने कब ख़त्म हो। अगर आप सिगरेट पीते हैं या तंबाकू किसी भी शक्ल में लेते हैं और आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं, तो पहली फुर्सत में इन चीज़ों को तर्क कर दें, ताकि एक तो आप बीमारी से बच सकें और खुदा न खास्ता अगर आपको ये बीमारी हो भी जाती है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें और अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतियाब भी अता फरमाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में लिखिए ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। इस मामला में कोई और भी नई कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई तो इंशाअल्लाह ताला किसी आइंदा वीडियो में इसका मैं जिक्र करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।